गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खाना वगैरह बनाकर नहा कर पूजा कर ली हूँ और खाने में मैं बस आज सिंपल दाल चावल सब्जी बनाई हूँ और दही है। तो सबसे पहले मैं सुबह का जो भी बनाती हूँ, रोटी सब्जी या चावल कुछ भी बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैं वो गाय देती हूँ। गाय को जो भी पहला खाना खिलाते हैं उसे शुभ माना जाता है। तो मैं, मेरे घर में गाय है तो मैं देर नहीं करती, मैं दे ही देती हूँ। और सबसे पहला, अगर ये ऑफिस भी जाते हैं तो मैं पहला रोटी उसे ही खिलाती हूँ, जो भी रोटी सब्जी जो भी बनी हो तो मैं उसे दे देती हूँ। तो हम लोग भी अब खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे बाबू को वो खिला रहे हैं लेकिन नहीं खा रहा है। और खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं कपड़े कोई भी क्लीन नहीं की थी आज, तो वाशिंग मशीन में डालने वाली थी, तो इसलिए मैं सोची खाना खाने के बाद, क्योंकि लेट हो चुका था, 11 बज चुका था, तो हम लोग सोचे खाना खाने के बाद ही मैं इसमें वाशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। और इजी डालने से काफ़ी कपड़ा क्लीन हो जाता है, तो मैं इजी ही यूज करती हूँ। और ये वीडियो मैं आज 1 अप्रैल को बनाई हूँ, और जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो मैं कल बनाई थी शाम में, तो एक्चुअली जल्दी जल्दी में बनाना था तो मैं शूट नहीं कर पाई थी अच्छा से। देखकर पता चला या कि नहीं ये क्या है, ये है एक्चुअली ब्रेड रोल है, और इसे मैं पहली बार घर पे बनाई हूँ, खाई थी लेकिन बनाई हूँ पहली बार। और उसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी सी पनीर, शिमला मिर्च, लहसुन, ब्रेड और पनीर थोड़ी सी जो मैंने मैश कर लिया, और सभी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से बारीकी काट ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ब्रेड को किनारे वाले ब्राउन पार्ट को हटा रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, और सारे को मैं ब्रेड को ब्राउन पार्ट हटा लूँगी। और बॉयल आलू भी मैं ली हूँ और इसे फिर मैं सारे को फ्राई करूँगी, ब्रेड को छोड़कर सारे को मैं तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं गैस ऑन कर दी हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई गर्म होने पर सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ, और सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो मैं उसमें जीरा का फ़ोरन और लहसुन भी काट कर दे दी हूँ, जो अच्छी तरह से मैं बारीकी काट ली थी। और उसमें फिर मैं प्याज भी ऐड करूँगी, और प्याज को 1 से 2 सेकंड के पकने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दूंगी, और सभी सब्जियों को मैं डालती जाऊंगी और 1 या 2 सेकंड तक पकाती जाऊंगी, और धीरे धीरे सारी सब्जियों को मैं इसी तरह ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी, और मैं इसे थोड़ी 1 या 2 मिनट के पकाने के बाद लास्ट में मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, ताकि ये काफ़ी अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए, क्योंकि टमाटर डालने बाद हल्का सा पानी भी छोड़ देता है, तो इसे कुछ देर तक पकाना है। और फिर मैं यहाँ पे अब टमाटर भी डाल देती हूँ, और टमाटर को भी थोड़ी देर तक पकाना है। उसके बाद से फिर मैं इसमें नमक हल्दी भी ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक और हल्दी ऐड करूंगी। और मसाले में मैं थोड़ी सी चाट मसाला ऐड करूंगी, और ये सारे मसालों को मैं पहले ही प्याज और टमाटर में डाल दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो थोड़ी सी मैं 1/2 चम्मच के अनुसार चाट मसाला और थोड़ी सी आमचूर पाउडर भी डालूंगी ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा अच्छा लगे। फिर मैं इसे थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें थोड़ी सी जो पनीर मैं मैश करके रखी थी, ये ऑप्शनल है, आप दो या ना दो, लेकिन देने पर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे दे ही दें। तो इसमें मैं पनीर भी ऐड कर दी हूँ, और जो मैं आलू मैश करके रखी थी उसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और इसे काफ़ी अच्छी तरह से पका लेना है। और कितने लोग कच्चे ही डाल देते हैं सब सारी सब्जियों को, लेकिन वो ज़्यादा टेस्ट नहीं लगता, इसलिए मैं फ्राई करके डाल रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी जो जीरा भून कर रखती हूँ, जीरा अजवाइन का जो मैं चूरन बना के रखी थी वो भी डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको जितने भी मसाला इसमें डालना है डाल सकते हैं, लेकिन कम कम डालना है, ज़्यादा 1-1 पिंच के बराबर डालना होता है। मसाले सारे तैयार हो चुके हैं, अब आई ब्रेड की बारी। तो ब्रेड को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर थोड़ी 1 बाउल में पानी ले ली हूँ, और सारे ब्रेड को मैं पानी में डुबो कर अच्छी तरह से एक एक ब्रेड को इसमें हल्का हल्का पानी डुबोना है, और इसे दोनों हाथ से इसके सारे पानी निकाल देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसे सारे जब सारे ब्रेड हो जाएं, और जब आप पानी से इसे अच्छी तरह से निकाल लें, और फिर इसे 5 से 10 मिनट तक इसे ऐसे ही प्लेट पर छोड़ दें ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और जो आलू को जो मैं बना कर रखी थी उसका मिक्सर, उसे मैं गोल गोल बना कर वहाँ पर रखी हुई हूँ,
और फिर मैं यहाँ पर पनीर को भी स्लाइस पतले स्लाइस में काट लिया है, ये ऑप्शनल है, आप दो या ना दो, सिर्फ ब्रेड के भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पनीर में थोड़ी सी सॉस लगा दे रही हूँ, हरी और केचप वाली, ग्रीन चिल्ली और केचप वाली, और इसे मैं, इसे एक ब्रेड में नहीं होगा तो इसलिए मैं इसमें दो ब्रेड इसमें लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से उसमें आ जाए, क्योंकि एक ब्रेड में ये पूरा नहीं हो पा रहा है इसलिए मुझे, और ब्रेड छोटा है इसलिए मुझे दो ब्रेड यूज करना पड़ रहा है। और ये काफ़ी अच्छा बना था, यहाँ पर मैं दोनों तरीके से बनाई हूँ, सिर्फ ब्रेड का भी बनाई हूँ और एक पनीर वाला भी बनाई हूँ। तो दो बाउल में पनीर का बनाकर दिखा देती हूँ और ये दो सिंपल ब्रेड का ही, जो बिना पनीर का बनेगा, और जो बिना पनीर का बनेगा वो एक ही में हो जाता है, एक ही ब्रेड में, क्योंकि पनीर थोड़ा सा मोटा कट गया है इसलिए दो ब्रेड लिया है। और ब्रेड काफ़ी छोटा है और काफ़ी ये बड़ा भी बना हुआ है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, और पनीर वाला ज़्यादा टेस्ट लगा था इसलिए आप पनीर वाला ही बना कर ट्राई कीजिएगा, वो काफ़ी। इसी तरह मैं फिर से देखिए यहाँ पे सिर्फ जो ब्रेड का बना रही हूँ इसमें पनीर मैं नहीं ऐड की हूँ ऊपर से, तो ये एक ही ब्रेड में हो जा रहा है काफ़ी अच्छा से, धीरे धीरे दबाना होता है नहीं तो ये फट जाएगा ब्रेड। यहाँ पर मैं एक और सिंपल वाला बनाकर दिखा रही हूँ और पनीर को मैं यहाँ पर नहीं डालूँगी, तो सिंपल वाला एक ही ब्रेड में आराम से आ जा रहा है। आप चाहें तो थोड़ी सी आलू, जो मैं उसका मिक्सर तैयार की थी उसका बाउल थोड़ी सी छोटी बना सकते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा से आ जाएगा। तो थोड़ी मेरी बाउल बड़ी बन गई है इसके जो आलू वाले थे, तो इसी तरह मैं यहाँ पे दो पनीर के और दो सिंपल सिर्फ ब्रेड के बनाई हूँ, मतलब ब्रेड के ही दोनों हैं लेकिन उसमें मैं पनीर भी एक परत दी हूँ। और ये दो ब्रेड के बने हुए पनीर वाले और सिंपल वाले एक ही ब्रेड में आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए दे दी हूँ और जल्दी से मैं इसे अब फ्राई कर लेती हूँ, और इसे कुछ देर तक ठंडा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर तक ही रखना है, जैसे कि डायरेक्ट बाउल बना के इसे डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं डालना है, इसे 10 या 15 मिनट तक इसे आप ऐसे ही रेस्ट करने दीजिए। जो मैं ब्रेड रोल बनाई हूँ उसे 10 मिनट के बाद मतलब फ्राई करना होता है, मैं 10 मिनट के बाद ही कढ़ाई में डाली हूँ, और इसे धीरे धीरे पकाना होता है, और लास्ट में आप इसे हाई फ्लेम पर पका सकते हैं, क्योंकि इसे मीडियम फ्लेम पर इसलिए पकाना होता है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, और जब ये हल्का दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिएगा। और ये दोनों तरफ से रेड हो चुका है और मैं इसका फ्लेम लास्ट में तेज कर दी थी, और ये क्योंकि ये काफ़ी क्रंची हो जाएगा, और मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और जो न्यू वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, और आप अपने घर पे भी बना कर देखिएगा क्योंकि ये मैं पहली बार बनाई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।